जैसे ही आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया, तब से एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगा। आईसीसी की तरफ से तो बयान आया था कि उसे भरोसा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगा, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आया कि इस बात का फैसला पाकिस्तान की सरकार करेगी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने भारत नहीं आता, क्या होगा? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। चलिए आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देते हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार उसकी क्रिकेट टीम को भारत भेजने की अनुमति नहीं देती है, तो फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आ पाएगी। ऐसे में पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से कड़ी सजा मिल सकती है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने भारत नहीं आता है, तो आईसीसी उसकी जगह आखिरी समय में कोई दूसरी टीम भी शामिल कर सकता है जो पाकिस्तान की जगह लेगी। अगर आईसीसी फैसला करता है कि पाकिस्तान की जगह वो और किसी को शामिल नहीं करेगा, तो फिर टूर्नामेंट 9 टीमों का हो जाएगा, और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जिन टीमों को मैच खेलने थे उन्हें 2-2 अंक दिए जाएंगे। अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता है, तो यह पहली बार होगा कि वर्ल्ड कप बिना पाकिस्तान के खेला जाएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1992 में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी, और उसके बाद से ही वनडे वर्ल्ड कप का खिताब ये टीम नहीं जीत पाई है।